नमस्कार दोस्तों, आर्यास डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है, 8.5 इंच की लंबाई लेंगे। अब हमें सिंपल स्लीव पहले कट करनी है। तो इस तरह से 3 इंच पर हमने आर्म होल का निशान किया। अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हमें कपड़े पर रख के कट करना है, उसके बाद डिजाइन के लिए कट करना है। तो ये कपड़े पर रख के इस तरह से कट कर लिया। अब हमें इस पर डिजाइन के लिए निशान निकालना है। नीचे से 1.5 इंच छोड़ देंगे, इस वाली साइड से भी 1.5 इंच लेंगे। नीचे से हमने देखिए 1.5 इंच छोड़ा है और इस साइड से भी 1.5 इंच लिया है। ये 3 इंच कट की चौड़ाई रहेगी फैलाने के बाद। अब कपड़े की सीधी वाली तरफ इस तरह से रखना है, लाइनिंग वाले कपड़े को ऊपर रखना है और जहाँ से ये निशान किया है वहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको कट कर लेना है। यहाँ पर 2 कट लगा देंगे, उसके बाद देखिए इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद देखिए, अब नीचे वाली तरफ से इस पर बॉर्डर है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड किया ये लाइनिंग वाले कपड़े को और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो पूरे पर इस तरह सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया। अब देखिए, इस पर डिजाइंस जो बनानी है उसके लिए हमें इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है। सीधा ही हमने कट किया है। अब सिलाई इस पर लगा दी है। अब इसको पलट कर सीधा करना है। तो इस तरह से हमने पट्टी तैयार करके कट कर ली है। 2.5 इंच की कट कर लेना है। अब ये जो बीच वाली पट्टी कट की है उसमें इसको, ये जो छोटी छोटी कट की है इसको इस तरह से लगाना है। बीच में जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही गैप छोड़ेंगे और थोड़ा सा तिरछा करते हुए देखिए इस तरह से रखते हुए लगाना है। एक साइड से लगा लेंगे, फिर ठीक उसी के सामने दूसरी साइड से भी लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक लगा लिया है। अब इधर से भी लगा लेना है। इसे लगाने के बाद अब इसको देखिए इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से रखकर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब इस वाली साइड से देखिए, अब बराबर से फैलाते हुए सिलाई लगाना है। अब इधर से भी सिलाई लगा लेना है। बराबर से बनाते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने इसे लगा लिया है। इसे लगाने के बाद अब हमें डिजाइन के लिए इस तरह से कपड़ा कट करना है। लंबाई इसकी 6.5 इंच ली है और चौड़ाई 1 इंच।
अब इस तरह फोल्ड करके सिलाई डालना है किनारे से। अब सिलाई के बाहर जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा ज़्यादा है जहाँ कट कर लेंगे। अब सुई में धागा डाल के लेंगे और धागे को यहाँ पर पक्का करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी चुन्नट बनाते हुए इसी में पूरा निकाल लेना है। अब इस तरह से देखिए बनाना है इसे। चुन्नटों को टाइट से खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड पकड़ कर सिलाई लगा लेना है। इस तरह की डिजाइन हमें बनाकर अब बीच वाली जो पट्टी है उस पर पूरे पर लगाना है। अब यहाँ से रखेंगे इसको और इस तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद एक मोती लगा देंगे। इसी तरह करके पूरी पट्टी पर बीच वाली इस तरह से इन डिजाइनों को लगाना है। तो ये डिजाइनें देखिए हमने इस तरह लगा ली है। इसे लगाने के बाद अब ये जो पट्टियां हैं साइड वाली इस पर इस तरह से मोती लगा लेंगे। दो दो मोती करके हर एक पर लगाएंगे। तो इसी तरह पूरे पर लगा लेंगे, इस साइड और उस साइड दोनों साइड से लगा लेना है। तो लगाने के बाद इसे डिजाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले